नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, जेंट्स स्वेटर में, हाफ में, फुल में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैंने सिलाई में 26 फंदे डाल रखे हैं और 2 लाइन प्लेन बुना है, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से पहला फंदा स्टिच है। इसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर 4 फंदों का आपस में जगह बदलेंगे। पहला दूसरा फंदा जो है वो तीसरे चौथे फंदे की जगह पे चला जाएगा और तीसरा चौथा फंदा पहले दूसरे फंदे की जगह पे, और फिर इन चारों को हम सीधा बुन लेंगे। पहला फंदा स्टिच है और इन्हीं चारों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। ऐसे ही 4-4 फंदों को लेंगे और उनका स्थान बदलते जाएंगे। पूरी सिलाई में हमें यही करना है। चार चार फंदा लेते हुए और उनका आपस में जगह बदलते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। और अब बैक साइड से सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे। सिक्स्थ रो और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड 3 फंदा सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3। अब चौथे पांचवें फंदे को 6ठे 7वें फंदे की जगह पे कर देंगे और 6ठे 7वें फंदे को 4ठे 5वें, यानी कि तीसरा चौथा फंदा जो है वो ऊपर से आएगा, और इन चारों फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। यही हम अगले 4 फंदे के साथ भी करेंगे। पहला दूसरा फंदा जो है वो तीसरे चौथे फंदे के बाद चला जाएगा। पहला दूसरा फंदा ऊपर से जाएगा और तीसरा चौथा फंदा नीचे से आएगा ऐसे, और इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अगला 4 फंदा लेंगे। अगले 4 फंदे के साथ भी हम यही करेंगे। पहला दूसरा फंदा तीसरे चौथे फंदे के जगह पे चला जाएगा। तीसरा चौथा फंदा पहले दूसरे फंदे की जगह पे आ जाएगा। पहला दूसरा फंदा ऊपर से जाएगा।
और फिर चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह चार चार फंदों को हम लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे को तीसरे चौथे फंदे की जगह पे कर लेंगे और तीसरे चौथे फंदे को पहले दूसरे फंदे की जगह पे करेंगे, लेकिन पहला दूसरा फंदा जो है वो ऊपर से जाएगा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। चार चार फंदों को लेते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। शुरुआत में तीन फंदे सीधे थे और लास्ट में भी तीन फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे, और पीछे से सभी फंदा उल्टा। नाइन्थ रो में सभी फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे और टेंथ रो में सभी फंदे उल्टे। ग्यारहवा लाइन और फ्रंट साइड, ग्यारहवा लाइन फिर तीसरे लाइन की तरह हो जाएगा, यानी पहला फंदा स्टिच है इसे उतार लेंगे और फिर पहले दूसरे फंदे को तीसरे चौथे फंदे की जगह पे करेंगे और तीसरे चौथे फंदे को पहले दूसरे फंदे की जगह पे, पहला दूसरा फंदा ऊपर से जाएगा। फिर इन चारों को बाएं सिलाई में उतारेंगे और सीधा बुन लेंगे। ग्यारहवा लाइन और फ्रंट साइड, ग्यारहवा लाइन तीसरे लाइन की तरह होगा, यानी पहला फंदा स्टिच है इसे उतार लेंगे, फिर अगले चार फंदों को एक साथ लेंगे और पहला दूसरा फंदा तीसरे चौथे फंदे की जगह जाएगा और तीसरा चौथा फंदा पहले दूसरे की जगह पे और तीसरा चौथा फंदा ऊपर से आएगा। फिर चारों को बाएं सिलाई में उतार लेंगे और एक साथ लेते हुए चारों को बाएं साइड सिलाई में उतार लेंगे और फिर चारों को सीधा बुन लेंगे। फिर अगले चार फंदों को लेंगे और उनका जगह बदल लेंगे। तीसरे और चौथे फंदे को पहले दूसरे फंदे की जगह पे करेंगे। तीसरे चौथे फंदे को ऊपर से लाएंगे, फिर चारों फंदों को बाएं सिलाई में कर लेंगे और फिर इन्हें सीधा बुन लेंगे। फिर अगले चार फंदों के साथ भी यही करेंगे। पहला दूसरा फंदा बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे और तीसरा चौथा फंदा दाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर इसे वापस बाएं सिलाई में कर लेंगे और इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पिछली लाइन में हमने फंदे का जगह बदला था, तो अब अगले दो लाइन हमें प्लेन बुनना है, यानी आगे से सभी फंदे सीधे बनाए जाएंगे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद हम अगले दो लाइन डिज़ाइन हम जब बना रहे हैं तो पीछे से सभी फंदे, पीछे से हम हर लाइन में हमें सभी फंदे उल्टे ही बनाने हैं, और डिज़ाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन हम प्लेन बना रहे हैं, यानी आगे से सीधा और पीछे से उल्टा। हर चौथी लाइन में डिज़ाइन बन रहा है। पंद्रहवीं लाइन और सामने से अब तीन फंदे सीधे बना लेंगे, यानी डिज़ाइन दो फंदा आगे बढ़ गया। तीन फंदे सीधे बना लेंगे और अब की बार हमारा पहला दूसरा फंदा जो है वो ऊपर से जाएगा।
एक बार हम तीसरे चौथे फंदे को ऊपर से ला रहे हैं, तो दूसरी बार जब डिज़ाइन बना रहे हैं तो पहला दूसरा फंदा ऊपर से जाएगा, यानी पहला दूसरा फंदा ये देखिए ऐसे ऊपर से ले जाएंगे। एक बार पिछली बार हमने ऐसे किया था, यानी तीसरी चौथा फंदा ऊपर से गया था, लेकिन इस बार इसका उल्टा करेंगे। अब कि पहला दूसरा फंदा ऊपर से जाएगा इस तरह, और दो फंदा छूट गया। पहली बार हमने डिज़ाइन बनाया था तो पहला फंदा एस स्टिच था, तो 2 3 4 5 में बनाया था, और इस बार देखिए 3 फंदा हमने छोड़ दिया है। तो चारों फंदों को 22 सिलाई में कर लेंगे और उन्हें सीधा बुन लेंगे। अगले 4 फंदे लेंगे, तीसरे चौथे फंदे को 22 दाहिनी सिलाई में करेंगे और पहले दूसरे फंदे को 22 सिलाई में करेंगे और पहले दूसरे फंदे को ऊपर से लाएंगे। चारों फंदों को 22 सिलाई में कर लेंगे और उन्हें सीधा बुन लेंगे। इसी तरह 4 4 फंदों को लेंगे और उन्हें आपस में जगह बदलते हुए सीधा बुनते चले जाएंगे। शुरुआत में 3 फंदे सीधे थे और लास्ट में भी 3 फंदे बचे हैं, उन्हें सीधा बुन लेंगे, और पीछे से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बन के तैयार है। आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और सामने से देखिए ऐसा लग रहा है और पीछे से ऐसा। यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।